हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट आसिस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने पीएफ के, यदि आपने अपना पीएफ विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल रखा है, तो आप अपने पीएफ विड्रॉल का क्लेम कैसे चेक कर सकते हैं, आप उसका स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं कि आपका क्लेम हुआ या नहीं हुआ या किस कंडीशन में है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको पीएफ विड्रॉल करना नहीं आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख के अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पीएफ का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, कि हमारा पीएफ क्लेम एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ कैसे पता करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। तो चलिए सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमको इसके अंदर टाइप करना है। फ्रेंड्स, चलिए टाइप करके मैं दिखाता हूँ, मेंबर होम, और सर्च कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप देख सको, मेंबर होम के नाम से वेबसाइट दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप फंड ऑफिस की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजर इंडिया। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, यूएन का, पासवर्ड का और कैप्चा का। तो चलिए तीनों चीज़ को पहले हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली हमने तीनों चीज़ को फिलअप कर लिया है। उसके बाद आपको साइनिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए करते हैं क्लिक। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का पेज खुलेगा अलर्ट का, तो इसको लेटर कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर यूएन नंबर शो हो रहा है, और यहाँ पे आपकी सारी मेंबर प्रोफाइल में सारा डिटेल शो हो रहा है, यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, पैन, बैंक अकाउंट, सारी चीज़ यहाँ पर आपकी शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको करना क्या है, ऊपर की तरफ आपको थ्री डॉट मिल रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं थ्री डॉट पे, और इसको हमको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर आपका ये सारा ऑप्शन मिल रहा है, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, और एक ऑप्शन और मिल रहा है साइड में यहाँ पे, ऑनलाइन सर्विस का। तो चलिए ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है, क्लेम का, वन मेंबर वन ईपीएफ का, ट्रैक क्लेम स्टेटस का, और डाउनलोड एनेक्सर का। तो इसमें फ्रेंड्स हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्लेम पे, इस पे ट्रैक क्लेम स्टेटस यानी तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे। तो चलिए प्रेस कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन खुल रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो सबसे ऊपर वाला है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी है सबसे ऊपर, और यहाँ पे फॉर्म टाइप फॉर्म 19 है, और सबमिट एट पोर्टल में आप देख सकते हो, 7 दिसंबर को मैंने सबमिट किया 2019 में, और 8 दिसंबर को सेंट टू फील्ड ऑफिस के पास गया है, फील्ड ऑफिसर के पास गया है, और करंट स्टेटस में आप देख सकते हो कि अभी अंडर प्रोसेस में शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने पीएफ को, यदि आपने अपना पीएफ विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल रखा है, तो आप अपना क्लेम यहां से अपने क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं, अपना क्लेम का स्टेटस यहां से इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट आसिस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।